नवीन स्पेस में माहिरीन फल्कियात को एक नया फ्री फ्लोटिंग ब्लैक होल मिला है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये ब्लैक होल आखिर है क्या और इसकी हकीकत क्या है। नवीन, अंधेरी रात के वस्त में अगर आपको एक बिल्कुल स्याह चीज जैसे नजर आती है, ये एक परेशान कुन पहेली के आगाज की तरह लगता है, लेकिन ये वाकई वो सवाल है जिसका सामना फल्कियात दानों को होता है जब वो ब्लैक होल्स को तलाश करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इन्वेस्टिगेटिव टाइम्स में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, हाल ही में माहिरीन फल्कियात की एक टीम ने कशिश सकल के एक अजीबो गरीब चाल का इस्तेमाल करते हुए एक सोलो ब्लैक होल पाया जिसे माइक्रो लेंसिंग कहा जाता है, लेकिन नतायज की तस्दीक होना बाकी है। नाज़रीन, कभी कभी माहिर फल्कियात होना मुश्किल होता है। फितरत सबसे दिलचस्प चीजों को आसान मुशाहदे से छुपाना पसंद करती है। मिसाल के तौर पर ब्लैक होल को ले लें, तापकारी के अजीब क्वांटम रुझान के अलावा मुकम्मल तौर पर एक अलग मजमून ब्लैक होल्स मुकम्मल तौर पर स्याह हैं। वो एक तापकारी का इखराज नहीं करते, वो सिर्फ जज्ब करते हैं, इसलिए उनका नाम है ब्लैक होल्स। आज तक माहिरीन फल्कियात ब्लैक होल्स को तलाश करने का वाहिद तरीका उनके माहौल पर उनके असर व रसूख के जरिए है। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर अगर एक गर्दिश करने वाला सितारा थोड़ा बहुत करीब आ जाता है तो ब्लैक होल इस सितारे से गैस को चूस सकता है, जिसकी वजह से वो अपने अजाब में गिरने के साथ ही गर्म हो जाता है। हम इस मौत के सर्पल से रोशनी देख सकते हैं। नाज़रीन, माइक्रो लेंसिंग वही है जो नाम से पता चलता है। जब माहिरीन फल्कियात इंतहाई खुशकिस्मत हो जाते हैं, एक घूमता हुआ ब्लैक होल और हमारे और एक बेतरतीब दौर सितारे के दरमियान से गुजर जाता है। इस सितारे की रोशनी अपनी कशिश सकल की वजह से ब्लैक होल के गिर्द छपती है और हमारे नुक्ता नजर से ये सितारा आर्जी तौर पर चमकता हुआ दिखाई देगा। इंतहाई खुशकिस्मत मेरा मतलब है कि एक दिहाई से ज्यादा अरसे तक इस टेक्निक को आजमाने के बावजूद माहिरी फल्कियात को माइक्रो लेंसिंग के जरिए उम्मीदवार ब्लैक होल तलाश करने में अभी तक का वक्त लगा है। नाज़रीन, और ये ब्लैक होल भी नहीं हो सकता। नाज़रीन, दो टीमों ने एक ही डेटा का इस्तेमाल किया। चिल्ली में ओगली दूरबीन और न्यूजीलैंड में MOA टेलीस्कोप से एक माइक्रो लेंसिंग इवेंट रिकॉर्ड किया गया। एक टीम ने पाया कि कमेट सूरज के कमेट से 7 गुना ज्यादा है, यकीनी तौर पर ब्लैक होल का इलाका, लेकिन दूसरी टीम ने सूरज की कमीत का तकरीबन 4.2 गुना ज्यादा छोटा मास लगाया। अगर ऑब्जेक्ट का हकीकी मास इस स्पेक्ट्रम के निचले सिरे पर है तो इंटरलोब पर मुमकिन तौर पर ब्लैक होल के बजाय न्यूट्रॉन सितारा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।